हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिसकी रिक्वेस्ट की थी भारतीय जी ने। तो फिर आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेडर्मा जेल के बारे में। इसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, रिव्यू नहीं, मैंने अपना ही एक्सपीरियंस शेयर किया है उस वीडियो में, क्योंकि उस टाइम पर मैं इस मेडर्मा जेल को यूज़ कर रही थी। और आज मैं बताऊँगी जो चीज़ें या तो मैं उस वीडियो में नहीं बता पाई थी, और उसके अलावा कुछ एक और जानकारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मेडर्मा जेल यूज़ करने की सोच रहे हैं या फिर मेडर्मा जेल यूज़ कर रहे हैं और उसके आपको अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेडर्मा जेल की दो पैकेजिंग आती हैं। एक आती है 10 ग्राम की, वो आपको उस पर 400 मेंशन किया हुआ होता है, लेकिन अगर आप अपने किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से लेंगे तो आपको 350 में ईजिली मिल जाएगी। और उसके अलावा ये आप फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी शॉपिंग वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी दूसरी पैकेजिंग होती है 20 ग्राम की, वो आपको 700 से 750 में ईजीली मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर पर भी, और उसके अलावा किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और फिर मैं बताती हूँ ये वर्क कैसे करती है। कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं तो उनका जो भी प्रॉब्लम होती है, जिस भी स्किन प्रॉब्लम के लिए इसको यूज़ करते हैं, वो ठीक हो जाती है। और काफ़ी लोगों को इसको काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम भी यूज़ करने के बाद इसका जो इफ़ेक्ट है, असर है, वो नहीं मिल पाता है। तो इसकी क्या वजह होती है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये US की नंबर 1 क्रीम है। तो नंबर 1 क्रीम है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और उसके अलावा इसको डॉक्टर भी देते हैं। अगर किसी को आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी दाग है, चाहे किसी भी एक्सीडेंट से हुआ हो, चाहे किसी भी चीज़ से चोट लग जाती है तब दाग हुआ हो, किसी भी चीज़ के घाव का निशान हो, या फिर बचपन में जो बच्चों के चोटें लग जाती हैं वो निशान हो, और उसके अलावा आपको स्ट्रेक्स मार्क्स के निशान हो, पिंपल्स के निशान हो, या फिर पिंपल्स के गड्ढे हो, या फिर आपकी स्किन पर किसी भी तरह के छोटे छोटे जो गड्ढे पड़ जाते हैं वो गड्ढे हो, चिकन पॉक्स तक के गड्ढे जो होते हैं, उनके जो निशान होते हैं, आप सोच सकते हैं वो कितने गहरे होते हैं, ये मेडर्मा जेल उसे भी ख़त्म कर देता है। लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी जादू नहीं कर सकती है कि कितने भी गहरे निशानों उसे पल में ही ख़त्म कर दे। और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनसे हम उसे नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो भी आपको कुछ एक मेडिसिन देंगे, वो भी आपको रेगुलर काफ़ी टाइम यूज़ करनी पड़ेगी, तभी अपना जो अच्छा रिजल्ट है वो आपको दिखाएंगी। तो उसके अलावा डॉक्टर्स भी मेडर्मा जेल को रिकमेंड करते हैं अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। तो फिर इसे कैसे यूज़ करना है ये भी मैं बता देती हूँ। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, उसके कुछ एक रीज़न हो सकते हैं, वो ये आप इसको रेगुलर नहीं यूज़ कर रहे हैं। आपको इसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार यूज़ करना है, दिन में 3 बार यूज़ करना है। जिस भी जगह आपको निशान है किसी भी तरह का, उस जगह को आप अच्छे से पानी से साफ कर लें, पानी से नहीं तो अगर फेस पर है तो फेस वॉश से साफ करने के बाद में इस मेडर्मा जेल की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज करते हुए लगानी है। ध्यान रखिए, आप इसकी ज़्यादा मसाज करेंगे तो बल से पड़ पड़ कर ये जो क्रीम है ये निकल जाएगी। इतनी नौबत ना आने दें, हल्के हाथ से कुछ देर तक मसाज करें ताकि क्रीम निकले ना। और जब मसाज करने के बाद फिर थोड़ी सी और क्वांटिटी में मेडर्मा जेल को लेकर के उस घाव के, उस निशान के ऊपर हल्के हाथ से रख दें। सिर्फ रखना है, उसके बाद मसाज नहीं करनी है। दिन में 3 बार आपको ऐसा करना है और 1 बार नाइट में ऐसा करना है। नाइट में थोड़ा सा लेकर के मसाज कर लें, ज़्यादा देर नहीं करनी है कि वो क्रीम जो है जेल निकल जाए। उसके अलावा थोड़ी सी और लेकर के उस घाव पर रख दें, रेगुलर ऐसा करें। देखिए, अगर आपका जो घाव है वो नया है तो आपको 2 से 3 महीने में उसका वो कम होता हुआ खुद नज़र आएगा। अगर आपको काफ़ी साल पुराना है तो आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे उसको कम होते हुए। लेकिन आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये उस जो निशान है उसे ख़त्म कर देगा। मेरे यहाँ पर हाथ पर जले हुए का निशान था, तब मैंने इसको यूज़ किया था, 6 महीने मैंने यूज़ किया था। मेरा घाव ज़्यादा पुराना नहीं था, 1 साल ही पुराना था, तो मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे, मेरा जो निशान था वो ठीक हो गया था, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया था। रिव्यू नहीं, मैंने अपना ही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया था। और उसके अलावा अगर आप कहीं भी बाहर धूप में जा रहे हैं तो फिर जिस जगह भी आपका जो घाव है, वैसे तो मैं कहती हूँ आपको अपने पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन जरूर यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो अगर आप धूप में कहीं भी जा रहे हैं और मेडर्मा जेल का यूज़ कर रहे हैं तो जिस जगह पर आपके निशान है उस पर थोड़ी सी क्वांटिटी की सनस्क्रीन लेकर
करके लगा लें, ताकि जो सूरज की जो हार्मफुल रेसेस होती हैं वो आपकी जो घाव है, जो मेडर्मा जेल आपकी स्किन पर वर्क कर रहा है उस पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना डालें, वो रेगुलर ऐसा ही वर्क करता रहे। तो यूज़ करने के बाद अगर आपको अपनी स्किन रेड लग सकती है, वैसे ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है, तो ये कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, रेड लग सकती है, हो सकती है कुछ दिन के लिए, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो इस जेल की आदत आपकी स्किन को पड़ जाएगी और यह जो जेल है ये आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क कर पाएगा, और जब आपका जो स्पॉट है, किसी भी तरह का निशान है जिसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए तो आप इसको यूज़ करना छोड़ दें। लेकिन जब तक वो नहीं ख़त्म होता है आपको रेगुलर यूज़ करना है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार और 1 बार नाइट में ज़रूर यूज़ करना है। रेगुलर इस तरह से यूज़ करेंगे तभी आपको इसका कोई भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है एक ट्यूब खरीदने के बाद ही उसी को ख़त्म करते ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर और जो निशान है उसके ऊपर, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर अगर आप मेडर्मा जेल को इस तरह से यूज़ करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। फिर दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।